कि जंगल राज पार्ट टू का यह शुरुआत है कि किसी के दरवाजे से उठा के ले जाना और बांस बिट्टा में ले जा के एक भाई को तो मार ही दिया। इस तरह का घटना जंगल राज में हुआ करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। बीते दिनों छतरपुर के रामपुर में हुई हत्याकांड को लेकर लोग आक्रोशित हैं, तो वहीं अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह पहुंचे हुए हैं आज पीड़ित परिवार के घर और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ बोले सुनिए। देखिए, यह घटना से बहुत मर्माहत हूँ। मुझे जानकारी मिली, मैं चूंकि बगल का सांसद हूँ तो मैं आज यहाँ आया हूँ। आकर के सुन के बड़ी दुख हुआ है। मैं सबसे पहले ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनको दुख सहने का ईश्वर ताकत दे परिजनों को। परंतु इस तरह का घटना का संदेश क्या है? इस तरह का घटना जंगल राज में हुआ करता था, और यही बात हम लोग कहते हैं कि जंगल राज पार्ट टू का यह शुरुआत है कि किसी के दरवाजे से उठा के ले जाना और बांस बिट्टा में ले जा के एक भाई को तो मार ही दिया और दूसरा भाई को बांध के छोड़ दिया था। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है, और यह घटना से मैं बता देना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को कि आप जो है जितने अपराधी हैं उसको 7 दिन के अंदर गिरफ्तार करें, सजा दें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम सब चुप नहीं रहेंगे और आंदोलन खड़ा होगा। और वह आंदोलन खड़ा होगा, इसी धरती से बिहार में चिंगारी निकलेगा और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से भी मैंने कहा, अभी एसपी साहब से, कि आप 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, परंतु जो व्यक्ति मुख्य अभियुक्त है, जिसने अपराध किया है, हत्या किया है, उसकी गिरफ्तारी आप 7 दिन के अंदर करो, वरना भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करेगी, और उसमें किसी प्रकार का खून खराबा होगा उसका जिम्मेवार सरकार होगी, उसका प्रशासन होगा। न्याय तो उसको मिलना ही है, इसको सजा करवाएंगे। कोर्ट है ना, कानून है ना, तो कोर्ट नहीं छोड़ेगी इसको। गवाह करवा करके 3 महीने के अंदर इसको हम लोग इसको सजा करवाएंगे, फांसी का सजा करवाएंगे या आजीवन सजा होगा। अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, न्यायालय उसको छोड़ नहीं सकता है, हम लोग न्याय दिलवाएंगे इसको। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशवाणी न्यूज के साथ। सहयोगी प्रिंस राज के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।